देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया बेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हापुड़ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत 8 प्रकरणों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की और जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ये सभी प्रकरण और अवैध प्लॉटिंग से जुड़े हैं जो मानचित्र स्वीकृत बिना कराए की जा रही थी। प्राधिकरण में मोहम्मद मुजाहिद पुत्र मोहम्मद ताहिर अली कमरे आलम और आनंद दीप सिंह द्वारा गढ़बांगरा इंदिरा नगर कॉलोनी के सामने गढ़मुक्तेश्वर में 25,000 रुपए वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। गौरव प्रताप और मोहम्मद शाहिद द्वारा मोहल्ला मंदिर नगर घोड़ा फॉर्म पुरानी दिल्ली रोड गढ़मुक्तेश्वर में 20,000 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। जितेंद्र यादव और अर्जुन दास द्वारा ससियाना रोड भूपेंद्र नर्सिंग होम के पीछे गढ़मुक्तेश्वर 16,000 वर्ग मीटर भी की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई। जितेंद्र यादव और हरवीर यादव द्वारा सियाना रोड भूपेंद्र नर्सिंग होम के पीछे गढ़मुक्तेश्वर में 16,000 वर्ग फीट मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई। राजकुमार भाटी मोहम्मद इसरत अली और फहरा महिमा आदि द्वारा गढ़मुक्तेश्वर के गांव अटसैनी में 8,800 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग। हिमानी देवेंद्र कुमार और सुलेमान द्वारा गांव दौताई मेरठ रोड गढ़मुक्तेश्वर में 5,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग। मोहम्मद मारूफ अली पुत्र मोहम्मद छोटे खान व मोहम्मद नदीम द्वारा गाँव दस्तोई सरकारी अस्पताल के पास मेरठ रोड गढ़मुक्तेश्वर में 4,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग तथा कृष्ण गोपाल अत्री पुत्र हुकुमचंद अत्री तथा डीलर महावीर सिंह द्वारा गढ़बांगर में वन विभाग के कार्यालय के पास 12,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। एचपीडीए की कार्रवाई के दौरान प्रभारी परिवर्तन भवन सिंह बिष्ट अवर अभियंता देशपाल सिंह पीयूष जैन प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट देखिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।